तो अरे मेरे प्यारे इंस्टाग्राम वाले भाइयों, कैसे हो आप सभी। मुझे लगता है आप ठीक होंगे। पर आपने एक रील्स जैसे कि जो भी आज इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है, यहाँ पर मतलब जैसे कि आपकी फ़ोटो होती है और जो आपके वो पीछे की स्काई है मतलब आसमान है वो आपका मतलब चलता होता है। तो भाई हर बार की तरह मैं आपके लिए लेकर आ चुका इस रील का एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो आपको सीखना है इस रील का एडिटिंग ट्यूटोरियल, तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा। एक स्टेप मिस मत करना क्योंकि फिर आपके बनेगा नहीं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करें करते हैं शुरू वीडियो। और वीडियो मैं आपने पहले बता देता हूँ कि पूरी देखना, फिर आपका एक भी स्टेप मिस हुआ तो मुझे मत कहना। तो गाइस मोशन लीप एक नाम है ऐप का, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हो। तो गाइस आपको न्यू क्रिएशन पर क्लिक करना है और उसके बाद ये कोई भी आपकी फ़ोटो लेनी है जिसमें आपको स्काई दिखानी है। गाइज ये बिल्कुल ही फ्री ऐप है, ना ही कोई पेड, ना ही कुछ भी नहीं है गाइज इस ऐप में। तो गाइज यहाँ पर उसके बाद गाइज आपको हमारी ये देख सकते हो मेरी ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो आ चुकी है। आपको गाइज थोड़ा आगे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको अपना जो फिल्टर है उसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है। फिर गाइज सबसे पहले ऑप्शन पर आना है और एनिमेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ आपको फिल्टर मिल जाते हैं दो, और आगे स्क्रॉल करोगे आपको फिल्टर डाउनलोड करने पड़ेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। तो गाइज जिस हिसाब से मतलब डाउनलोडिंग मांग रहा है तो आप मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत ज़्यादा ही मतलब इसमें इफेक्ट हैं, आप जौन सा भी अच्छा लगे वो आप ले सकते हो और आपको ईजिली एक्सपोर्ट करके अब रील्स में ले सकते हो। लेकिन गाइज यहाँ पर अब बात आती है मेन स्टेप, आप जिसको जिसके आपके कारण आपको वीडियो में रुकना पड़ेगा। सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्पीड को आपको बिल्कुल ही बढ़ा देना है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिससे रील बनाने में आपको आसानी होगी और मतलब अच्छी तरह आपकी रील्स बन जाएंगी, तो वीडियो पूरी इसी पर ही बेस्ड है। तो गाइज हम जैसे स्पीड बढ़ाते हैं आपको फ्रीज पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको गाइज यहाँ पर आगे थोड़ा एंकर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसमें क्या क्लैरिटी जाती है आपके फोटो में। तो गाइज आपको यहाँ इफेक्ट दिखेंगे यहाँ, बाकी मैं ऐसा कुछ तो लगाता नहीं, बाकी आप लगा सकते हो 3D 50 25 या ऐसा कुछ भी, जो भी आप जिस हिसाब से भी आपको लगे आप लगा सकते हो। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको इफेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, मतलब इतना इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसके बाद गाइज आपको अब आती है मेन सेटिंग, नन पर क्लिक कर देता हूँ मेरे को क्योंकि अच्छा नहीं लगता। आपको गाइज ज्योमेट्रिक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बारिश का इफेक्ट भी दिख जाता है, मतलब जैसे कि आपकी फ़ोटो में जैसे बारिश हो रही है वैसा इफेक्ट भी आपको दिख जाता है यहाँ पर, मतलब जैसे कि आप वो ओले गिर रहे हैं या जो भी वो है वो सब आपको दिख जाएगा। तो गाइज ऑप्टिक पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको आगे स्क्रॉल करना है और यहाँ वो आपको वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एडजस्ट पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, जिससे क्या हो जो आपके स्काई हो रियल लगे, और जस्ट सैचुरेशन है वो भी थोड़ी सी बढ़ा देनी है आपको या जिस भी हिसाब से आपकी फ़ोटो है। ठीक है गाइज यहाँ पर हमारी एक किस्म से एडिटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ये रील्स में अपलोड करने के लायक है। आपको ऊपर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पर ईजिली क्लिक करते हैं और क्वालिटी आप अपने फ़ोन के हिसाब से मतलब बढ़ा या घटा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने सीख लिया है एनिमेशन एडिटिंग ट्यूटोरियल। गाइज मैं आपको बता देता हूँ रील्स एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके आते रहता हूँ अपने चैनल पर।